अपना परिचय दे दीजिए कि आप कहाँ से हो सर जी, कहाँ आपका ब्रिक इंडस्ट्री है, SNPC की मशीन आप कब से यूज कर रहे हैं सर, ये सब बता दीजिए एक बार। मैं उन्नाव यूपी से हूँ। मेरे ब्रिक फील्ड का नाम है मिली ब्रिक फील्ड, ठीक है सर अजय जी, मार्का ईंटों के निर्माता और विक्रेता। ओके सर जी। मेरा कब भट्टा से? बांगर में उन्नाव में है। SNPC की मशीन 2020 जनवरी 2020 से यूज कर रहे हैं। ठीक है सर जी। तो और सर आप भट्टा कब से स्टार्ट है सर आपका, कब से ब्रिक इंडस्ट्री चला रहे हैं आप? मेरे पिताजी भी चला रहे हैं, पिताजी चला रहे हैं 1990 से, 1990 1990 से। हाँ से चला रहे हैं, जी, हाँ उसके बाद आप सर उनका आगे पूरा संभाल रहे हैं सर जी। जी। ठीक है सर जी। पर सीजन कितना हीट बना लेते हैं सर आप? 50 लाख से 70 लाख तक। और सर जी जब से मशीन लाए हैं तब से कितना बना रहे हैं मशीन से, सीजनली मशीन से भी सेम ही बना रहे हैं। सेम ही बना रहे हो सर जी? क्या आप SNPC की ऑपरेटर से ही मशीन चला रहे हैं सर जी? हाँ जी, हमारा ऑपरेटर ये सर जी, आपको जैसे कंपनी एक सीजन के लिए देती है तो उसके बाद से आपके पास कौन सा ऑपरेटर है, मतलब खुद का है या आप हमारे वाले से ही, हमारे SNPC वाले नहीं, ऑपरेटर से आपकी ही? आपकी कंपनी SNPC के ही ऑपरेटर से चलवा रहे हैं, कंपनी प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है सर जी। और सर अभी तक आपको मशीन में और लेबर की ईट में क्या डिफरेंस मिला है सर जी, अभी जब से आप मशीन यूज कर रहे हैं सर? मशीन की ईंट लेबर की ईंट से ज़्यादा मजबूत है, 3 गुना लगभग में। फीडबैक मजबूती है उसकी। अच्छा है, फीडबैक भी अच्छा है, बिक्री ठीक है। और सेलिंग में सर क्या प्राइस, जैसे कम ज्यादा आपको प्राइस में मिला है अंतर, या फिर मशीन का ईट कम पैसों में बिकता है या ज्यादा में बिकता है, कुछ डिफरेंस है सर जी लेबर की ईट और मशीन की ईट नहीं, में? डिफरेंस नहीं। पहले से स्टार्टिंग में पहले सीजन हमने 200 रुपये महंगा रखा हुआ था लेबर से, फिर अब ठीक है तो सर इक्वल है, जी। क्योंकि अब हमारे पास में हाथ की ईंटें है ही नहीं, हम लगभग ना के बराबर हैं। ओके सर जी। और सर जी आपका अभी जो ईटों का खर्चा आता है लेबर पे, जैसे आप जितना भी देते थे पर 1,000 ईंटों का, तो इसमें कम आ रहा है या उससे ज्यादा आ रहा है या इक्वल आ रहा है सर जी? नहीं, अब तो थोड़ा सा कम है, अभी 550 रुपये 1,000 के लगभग में पड़, पूरा टोटल खर्चा है, सब ठीक है सर कुछ, जी। लेबर मुनीम पानी सब कुछ इंक्लूडिंग। और पहले जब लेबर से बना रहे थे सर तब? तब तो डीजल सस्ता था, जब हमने मशीन ली थी तब तो बहुत बचत थी कंपेयर अच्छा सर जी, अब इस टाइम के। ओके ओके सर जी। तो सर आपको हमारी जो सर्विस टीम से क्या फीडबैक रहता है, क्या आप उनके लिए फीडबैक देना चाहते हैं कि हम आपको सपोर्ट कर पा रहे हैं, सर्विस टाइम मिल पा रही है हमारी टीम से आपको, या क्या कमी आती है, क्या पार्ट टाइम पे मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, ये सब सर जी, क्योंकि आप 4 साल से यूज। सर्विस की कोई दिक्कत नहीं है। सर्विस तो हम जब कभी भी टेक्निकल कोई इशू आता है तो तुरंत ही सॉल्व होती है, बाकी ठीक है, ऑपरेटर खुद ही अपने आप करते हैं, या कंपनी से आना होता है तो 24 आवर्स में कंपनी से भी सर्विस अवेलेबल रहती है। ठीक है सर जी। तो ऑल ओवर आपका एक्सपीरियंस सर्विस का अच्छा रहा है, कंपनी की तरफ से लेट हुआ है कभी या नहीं हुआ, कैसा रहा है सर जी? नहीं, कंपनी की तरफ से तो ऑल ठीक ही है, कोई ठीक है दिक्कत सर। नहीं। और हमारे टीम के लिए सर आप क्या ऐसा कोई फीडबैक देना चाहेंगे कि हमें पार्ट से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड की महंगी है हमारी, हम ज्यादा आपसे चार्ज ले रहे हैं, ऐसा कुछ हमारी टीम आती है तो हम कंपनी ने कुछ ज्यादा चार्ज किया, ऐसा कुछ कभी रहा है सर जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी तो पहले तो 1 साल तो फ्री रहते हैं सारे पार्ट्स और सब कुछ, एक ठीक है सर। सीजन के ठीक बाद से तो ठीक ही है, एवरेज अगर कंपेयर करें। है सर। और सर जो मार्केट में मशीनें चल रही हैं, जैसे मैनुअल मशीनें, इसकी ईट बनाने का मशीन आता है, तो उससे आपको वो छोड़कर हमारी मशीन पे आपको क्यों हुआ कि आपको लेना पड़ा, या आपकी क्या मजबूरी रही सर जी कि आपको SNPC ब्रिक मशीन ऑटोमेटिक लेना पड़ा सर जी? नहीं, लेबर की दिक्कत होती थी, इसकी वजह से ही मशीन को लेना पड़ा। और बाकी फीडबैक हमने तो पहले स्टार्टिंग में यूट्यूब से ही देखा हुआ था, ठीक है पहले सर उस जी। टाइम पे जब हमने 2020 में ली थी तब ज़्यादा मशीनें थी नहीं। तो
तो आप YouTube से देखकर SNPC तक पहुंचे थे सर जी? हाँ जी ठीक है सर जी। सर एक बार आप अपनी मशीन दिखा सकते हैं सर हमें? हाँ हाँ एक बार जी सर वो दिख भी रही है थोड़ा सा, एक बार पास में जाके हो सकता है सर जी। हाँ एक बार दिखा दो सर जी अगर हो सकता है तो। ये आज ही की ईट है सर जी? हाँ जी आज ही ठीक है सर जी।